रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप की विदेश नीति ऐसे दौर में कई मोर्चों पर बड़ा बदलाव कर सकती है जब दुनिया के कुछ हिस्से युद्ध और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने अपनी नीतियों में व्यापक बदलाव के संकेत दिए थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ये लगातार कहते भी रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध एक दिन में खत्म करा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इसे कैसे खत्म कराएंगे तो उन्होंने बताया कि वो समझौता करा सकते हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना था कि ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुश करने में लगे हुए हैं। उनका ये रवैया यूक्रेन के मुद्दे पर समर्पण करने जैसा है, जबकि ट्रंप का कहना था कि युद्ध रोकना उनकी प्राथमिकता है ताकि अमेरिका के संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सके। युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति की छाया नेटो का भविष्य तय करने जैसे सामरिक मुद्दों पर भी पड़ सकती है। नेटो के अब 32 सदस्य हैं, लेकिन ट्रंप शुरू से ही नेटो पर संदेह करते रहे हैं। उनका मानना है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में अमेरिका की ओर से संरक्षण की नीति का यूरोप फायदा उठाता रहा है। अमेरिका नेटो का संस्थापक सदस्य है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका नेटो की सदस्यता छोड़ देगा? अगर ऐसा होता है तो ये लगभग पिछली एक सदी से जारी ट्रांस अटलांटिक देशों के बीच के आपसी रिश्तों में एक अहम बदलाव होगा। हालांकि अभी ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप के कुछ सहयोगियों का मानना है कि नेटो के प्रति ट्रंप के इस कड़े रवैये की वजह है। वो सदस्य देशों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि वो नेटो के रक्षा खर्च से जुड़े गाइडलाइंस का पालन करें। यूक्रेन की तरह ट्रंप ने मध्य पूर्व में भी शांति लाने का वादा किया है। माना जा रहा है कि वो गजा में इसराइल हमास और लेबनान में इसराइल हिजबुल्ला के संघर्ष को खत्म करा सकते हैं, लेकिन कैसे ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि ईरान के मामले में संभवतः ट्रंप अपनी पुरानी नीति पर ही लौटना चाहेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और उस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया था। उन्हीं के कार्यकाल में ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। व्हाइट हाउस में रहने के दौरान ट्रंप ने इसराइल को जोर शोर से समर्थन दिया था। ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी बताया और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से वहां स्थानांतरित कर दिया था। इसने ट्रंप के ईसाई एवेंजेलिकल समर्थकों को उत्साहित कर दिया था। इस समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ट्रंप के वोटर हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके इस नीति ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। ट्रंप की कुछ प्रमुख अरब देशों के उन नेताओं से भी दोस्ती रही है जिनके हमास के साथ संपर्क हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो इसराइल को अपना मजबूत समर्थन देने की नीति और मध्य पूर्व में युद्ध खत्म कराने की अपनी मंशा के बीच संतुलन कैसे बिठाएंगे। ट्रंप के सहयोगी उनके अनिश्चित रवैये को ही उनकी कूटनीतिक ताकत मानते रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि उनका ये रवैया संकट और बुरी तरह से अनिश्चितता में फंसे मध्य पूर्व के मामले में कैसे काम करेगा। अमेरिका अब अपनी विदेश नीति में चीन को लेकर क्या रुख अपनाएगा? अमेरिकी सामरिक नीति का ये सबसे बड़ा सवाल है। वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर पड़ने वाले इसके सबसे बड़े असर को देखते हुए ये मुद्दा और अहम हो जाता है। जब ट्रंप पहले सत्ता में थे तो उन्होंने चीन को अपना रणनीतिक प्रतिस्पर्धी करार देते हुए उससे होने वाले कुछ आयातों पर टैरिफ लगा दिया था। उस वक्त चीन ने भी जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच इस तनाव को कम करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन कोविड संकट ने इसे नाकाम कर दिया। बाद में रिश्ते और खराब हो गए जब ट्रंप ने कोविड को चीनी वायरस करार दिया। बाइडेन प्रशासन ने भले ही चीन के प्रति अधिक जिम्मेदारी भरी नीति अपनाने का दावा किया, लेकिन सच तो यही है कि उसने ट्रंप के शासन में चीन से होने वाले आयात पर लगाए गए कुछ टैरिफ को ज्यों का त्यों ही रहने दिया। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ ब्रिलियंट और खतरनाक कहकर उनकी तारीफ की थी। लगभग 1 अरब 40 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश पर शी जिनपिंग जिस कड़ाई से शासन करते हैं, ट्रंप उसे प्रशंसा की निगाह से देखते हैं। ट्रंप के विरोधियों को इसमें उनके तानाशाह रवैये की झलक दिखती है। ट्रंप एक और अहम बदलाव कर सकते हैं।
चीन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन चीन के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सुरक्षा संबंध बनाने की नीति का समर्थक है, लेकिन ट्रंप इस नीति से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका ताइवान को सैन्य सहायता देता रहा है। इस साल अक्टूबर महीने में ट्रंप ने कहा था कि अगर व्हाइट हाउस में उनकी वापसी हुई तो ताइवान की नाकेबंदी खत्म करने के लिए चीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग जानते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चीनी आयात बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा।